बैरल 3x चलाते हुए जहां पे सामने T70 के प्लेयर्स को स्पॉट करा है, जहां पे पूरा स्क्वाड जिंदा है, सेम गोज विद ऑरेंज रॉ, क्या वहां पे प्लेयर्स रिवाइव हो सकते कि नहीं? यहां पे अभी ने यहां पे ओरेंटो को नॉक करा है, फिनिश करा, और वीरू भी यहां पे फिनिश होते हुए, क्या प्लेयर्स यहां पे स्मोक डाल के अंदर जोन में आ सकते हैं? यहाँ पे T70 के प्लेयर न्यू, आई थिंक ही केम इनटू द जोन, क्लच गॉड अभी भी अपने आपको हील कर रहा है, बट ये वाला ग्रेनेड क्या यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकता है फॉर टीम वीएसजी क्रॉलर्स? एंड यहाँ पे यस, दैट वन ग्रेनेड नॉक जेड गॉड एंड क्लच गॉड एट द सेम टाइम, अब दिस इज 4-2 सिचुएशन, बहुत प्यारा ग्रेनेड था यहाँ पे सीजी का, अपनी AKM के साथ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे यहाँ पे जॉन तक सबसे पहले पाए जाएंगे, यस ही नॉक हिम आउट, क्या यहाँ पे 50% HP ले चुके हैं, 1 HP वहां पे बचे होंगे, सिर्फ एक बुलेट यहाँ पे AKM की, ही कैन नॉक जॉनथन आउट फ्रॉम देयर, यहाँ पे क्लच गॉड भी 1 HP बचे हुए, यस यहाँ पे ऊपर से आते हुए नियो को भी यहाँ पे नॉकडाउन करेंगे, बट पीछे से क्या जॉनथन को मार पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, जॉनथन अभी भी यहाँ पे 20% HP सर्वाइव कर रहे हैं, बट यहाँ पे VSG क्रॉलर्स निकाल दिए क्वालिफाइड, दैट वाज एन अमेजिंगली फाइट डन बाय VSG क्रॉलर्स, एक ग्रेनेड के साथ दो प्लेयर फिनिश, उसके बाद ट्रेड फायर जिस तरीके दिखाया गया, बट यहाँ पे अभी भी नॉकडाउन होंगे, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स धीरे धीरे चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए, 8 kills इनके पास है, यहाँ पे माविज लास्ट में स्टैंडिंग फॉर टीम ऑरेंज रॉक, लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे हम बार बार कहते हुए आए हैं, पीछे नीकू टीम एक्सट्रीम के अकेले जिंदा है, चुपचाप बैठे हुए एक्सट्रीम के भी प्लेयर जिंदा है वहां पे, अब देखते हैं कौन प्लेयर यहाँ पे फाइट निकालेगा, अभी इज आस्किंग फॉर अ रिवाइवल राइट नाउ, क्या ईवो जाएगा वहां पे, क्या रो जाएगा, बट यहाँ पे मावी ही वॉन्ट्स टू स्टे ओवर दिस रिज बिकॉज यहाँ पे जोन है, क्या ये वापस से इस वाले रिज के ऊपर जोन आएगा? छठा फेज क्लोज इन हो रहा है, 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके इस वाले मैच को, विनर चिकन डिनर फोरकास्ट यहाँ पे कहते हैं VSG क्रॉलर जीतेगा, बट जोन के अंदर यहाँ पे आके रिवाइवल देना था वरना तो बाहर वापस से नॉकडाउन हो सकते हैं, वही यहाँ पे हुआ, VSG क्रॉलर के प्लेयर बार बार नॉक हो रहे हैं, बार बार रिवाइवल मिल रहा है उन लोगों को, बट सीजी यहां पे अपने आपको हील कर चुके हैं, अभी को भी यहां पे रिवाइवल मिलेगा, विच इज अ बिगर एंड बिगर बूस्ट फॉर देम, बट यहां पे 1 HP यहां पे टच करा एंड ही विल रिवाइव हिम, अब 4-man स्क्वाड अकेली टीम बची हुई है, नीचे मिस्टर ह्यूजो अपने आप को स्मोक के अंदर बचाते हुए, बट ऑन टॉप को यहां पे देखते हैं कितनी जल्दी वो टॉप पे आते हैं, अपनी टीम को निकाल पाते हैं इस वाले सिचुएशन के साथ, बट यहां पे मावी की अगर हम बात करें धीरे धीरे करके कोई फुटस्टेप्स यहां पे नहीं दे रहे, बट सामने वाली टीम को ऑब्वियसली पता है वहां पे को प्लेयर, बट वहां पे ऑन टॉप अपने आप को नॉकडाउन करा था, आई थिंक दैट वाज इंटेंशनली डन बिकॉज वहां पे अपने प्लेयर के साथ जाना चाहते थे, बिकॉज अगर ऊपर रहते मिड वे को फायदा नहीं, ब्लू जोन आ ही सकता था थोड़ी देर में, एंड अब मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, अब मुश्किल हो सकती है, पहले मावी को अंदर मूव कर, अगर उन्हें किल फीड पड़ी होती उनको पता होता VSG क्रॉलर्स के 3 players डाउन थे, उनको एक ही प्लेयर को फिनिश करना होता, वहां पे 3 kills ऑरेंज रॉक के मावी के पास आ सकते थे, बिकॉज दूसरा किल एक प्ले जोन से जाता, बट स्टिल यहां पर मावी थोड़ा सा पीछे मूव कर रहे हैं, फॉल डैमेज लिया उन्होंने हल्का सा, पीछे टीम एक्सट्रीम के नीक हुए, उन्होंने देखा है या नहीं आई हैव नो आइडिया राइट नाउ, बट द मेजर फैक्टर इज VSG क्रॉलर्स प्लेयर्स का जो पूरा का पूरा एडवांटेज अपने हाथों में लेकर बैठे हुए, एलिमेंट्रिक्स दिस इज अ गुड गेम फॉर देम वंस अगेन, बट इट कैन टर्न बैड एंड यस इट डज, मिस्टर यूज़ हैज बीन टेकन डाउन, ऑन टॉप अकेले बचे हैं, बट जो नॉक किया उसको फिनिश भी करना चाहेंगे यहां पर, एंड VSG क्रॉलर्स 11 किल्स राइट नाउ इन देयर हैंड्स, 11 को 12 बना सकते हैं ऑब्वियसली अगर ऑन टॉप स्पॉट आते हैं, 4-1 का सिनेरियो पूरा का पूरा VSG क्रॉलर्स के हाथ में, ये गेम जा सकता है, बस मावी एक ग्रेनेड पुल आउट ना करें, इफ ही हैज वन, टीम एक्सट्रीम के नीको आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बैकअप करने के लिए तैयार है, अगर कोई भी प्लेयर आगे दिखता है एंड आई गेस इनके पास एक ग्रेनेड है, क्या ये ग्रेनेड का पिन पुल करेंगे, अगर करते तो एक बहुत ज्यादा डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिल सकता है, VSG क्रॉलर्स एक पूरा माउंटेन लेकर बैठे हो, दैट माउंटेन शोज दैट दे आर एट द टॉप राइट नाउ एंड दे आर मूविंग एट ईच एंड एवरी लोकेशन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, बिकॉज एक साइड पर टॉरेंट रॉक है, नीचे टीम एक्सट्रीम है एंड दूसरी साइड एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स है, एंड सारे के सारे VSG क्रॉलर्स आगे मूव कर रही है, एक प्लेयर को स्पॉट किया, मावी विल बी टेकन डाउन, इट्स अ 4-1 सिनेरियो, एक अच्छी चीज यहां पे VSG क्रॉलर्स ये करके चारों प्लेयर्स इकट्ठे जा रहे हैं, उनको पता है कोई भी ऐसा स्क्वाड पूरा जिंदा नहीं है, सेम गोज विद यहां पे एलिमेंट्रिक्स एलिमिनेट हो गई, पहले ऑरेंज रॉक के मावी हुए, एंड यहां पे टीम एक्सट्रीम के नीकू कितने टाइम से ये प्लेयर अपनी टीम को पोजीशन यहां पे दिलाता आ रहा है, अभी यहां पे बात आती है कौन यहां पे प्लेयर यहां पे फिनिश करेगा, और यस नीकू यहां पे नॉर्डर कर चुके हैं, एंड यहां पे देखते हैं ओके ये मेरे ख्याल से जोन को यहां पे उन्होंने यहां पे दे दिया अपना किल, एंड टीम एक्सट्रीम केम सेकंड, एंड वो जो 2 kill है वो यहां पे प्लस कर दिए, 14+2 16 ओवरऑल पॉइंट्स यहां पे निकाल के टीम एक्सट्रीम, VSG क्रॉलर्स डिड अ फैंटास्टिक जॉब ओवर हियर विद दोज 30